चार राज्यों के चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं और ट्रेंड इसमें क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत का दिन है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो उनकी सरकार बन ही रही है, जैसे कि कई सारे एग्जिट पोल्स ने दावा किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में गेम पलट गया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी वापस आ रही है, ऐसे लीड से साफ नज़र आ रहा है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इसका भारतीय राजनीति, पॉलिसी और बाजार के लिए क्या लक्षण इससे निकल कर आते हैं, तो अब इसके क्या मायने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं संजय पुगलिया, एडिटर इन चीफ NDTV और चक्री लोकप्रिय, MD TCG AMC। संजय, फर्स्ट लेट मी बिगिन विथ योर टेक ऑन व्हाट दीज इलेक्शन रिजल्ट्स मीन फॉर पुअर पोलस्टर्स। वंस अगेन एग्जिट पोल्स रेप्यूटेशन फॉर गेटिंग इट रॉन्ग परसिस्ट, दे गॉट इट रॉन्ग इन छत्तीसगढ़, द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन मध्य प्रदेश इज ऑल्सो ऑफ। This has become a transactional business, so they are not focusing on the science and they are delivering opinion polls depending on who their client is. So let us not take opinion polls and exit polls seriously because they have been going majorly wrong. Some of them get right, but it doesn't really matter because this election machine that BJP runs is determined to make all of us irrelevant. ये बताए कि इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो एक बात हमने कही कि इंडियन वोटर को बहुत साफ है दिमाग में क्या चाहिए, कोई हंग असेंबली नहीं, दूर दूर तक कोई फाइट नहीं, जिस स्टेट में आपको किसको लाना है वो बहुत क्लियर है और MP में तो मामा जी एक बार फिर छा गए हैं। बिल्कुल तमन्ना, तो आप देखें स्टेट बाय स्टेट चलते हैं। राजस्थान जहां लग रहा था कि शायद इस बार रिवॉल्विंग डोर नहीं होगा क्योंकि अशोक गहलोत ने अपना एक कल्ट खड़ा किया और वेलफेयर स्कीम को अग्रेसिवली पुश किया, एक तरीके से बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश की। वोट शेयर में बहुत बुरा हाल नहीं है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन सीट का डिफरेंस देखिए, यानी चुनाव लड़ने का ग्राउंड पर बूथ बाय बूथ, वोटर बाय वोटर जो साइंस है उसमें बीजेपी कभी नहीं थकती, अब कांग्रेस वाले कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में देखिए फोर्थ टाइम इनकम्बेंसी के माहौल में आप चुनाव में जा रहे हैं, लोग थक गए हैं वगैरह वगैरह कहा जा रहा था, लेकिन ऐसे हालात में बीजेपी वहां इतना स्ट्रॉन्ग विक्ट्री रजिस्टर करती है कि करीब करीब 50% के आसपास का वोट शेयर है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लगातार चुनाव पर नजर रखे हुए थे, जो समझते थे कि दोनों राज्यों में कीन कंटेस्ट है, हम भी ऐसा कहते थे क्योंकि हमको कुछ ज्यादा पता तो होता नहीं इवेंट होने के पहले, लेकिन वो उनको ये समझ में आ गया कि यहां पर जिस सेमीफाइनल में वो कोई बीजेपी के लिए निगेटिव न्यूज का इंतजार कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। मार्केट का एक तबका था जो फैक्टर इन कर चुका था, इसीलिए मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आप देखेंगे कि मार्केट काफी खुश होने वाला है। छत्तीसगढ़ शॉकर है, हम उसको समझते थे कि वहां पर कांग्रेस सेफ है, लेकिन कांग्रेस वहां भी बुरी तरह से हारी। बीजेपी के लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसका मतलब यह हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी और पार्टियों के खिलाफ ज्यादा बुरी तरह से काम करती है न कि बीजेपी के खिलाफ। तेलंगाना का भी वही एग्जाम्पल है कि BRS के खिलाफ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कॉमन फैक्टर यह है कि करप्शन का इशू इनकम्बेंट पर चिपक गया, इसीलिए कांग्रेस वहां बेनिफिशियरी हो गई, कर्नाटक का मॉडल फॉलो कर लिया, बेनिफिशियरी हो गई। बीजेपी वहां नॉन प्लेयर थी और इनकम्बेंट को हटाना था, लेकिन बीजेपी के लिए गुड न्यूज वहां पर देखिए 6% का वोट शेयर इंक्रीज हुआ है, तो लोकसभा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में उनके लिए भी यहां अच्छी खबर है। तो इन्वेस्टर्स को जो जानना चाहते थे वो ओवरहैंग साफ हो गया है कि 2024 को लेकर के जो एक माहौल होता है हमारे जैसी मज़ेदार डेमोक्रेसी का कि बहुत बातें होती हैं और लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो शायद कमज़ोर हालत में हो, उसमें अब ये उनको क्लैरिटी मिल जाएगी इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद कि 2024 का आउटकम क्या होने वाला है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कोई अनसर्टेनिटी नहीं बचेगी उनके दिमाग में। What about Telangana? And I'm going to include Chakri Lokpriya, MD TCG AMC, also in this conversation. Chakri, welcome. We're having an exciting debate today on what these elections mean. This is a point that Chakri had made. Telangana mein BRS Lok Sabha mein aam taur par NDA ke paksh mein vote de deti thi, zyadatar bills mein. Ab wahan par Congress aayi hai. Not a complete washout for the Congress. At least they have something to say at the end of today. Do you think Telangana makes a big difference, Sanjay ji, in the larger picture?
तेलंगाना मेक्स अ डिफरेंस दैट बीजेपी कांग्रेस पार्टी हैज सम गेम टू प्ले इन टर्म्स ऑफ इट इफ इट वॉन्ट्स टू स्टे रिलेवेंट इन द पॉलिटिक्स. सो कर्नाटका एंड तेलंगाना गिव्स इट दैट बेस. तमिलनाडु लिमिटेड स्पेस. केरला इज ऑलवेज अगेन रिवॉल्विंग डोर. कांग्रेस मे डू बेटर इन लोकसभा इलेक्शंस, दैट्स ओके, बट दीज नंबर्स आर नॉट एनफ टू बी अ चैलेंजर. दोज हु वरी अबाउट डेमोक्रेसी बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, दे वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन. वी वर टॉकिंग अबाउट इट दैट स्टेट एट स्टेट लेवल पीपल आर वोटिंग फॉर नॉन बीजेपी पार्टीज. एट सेंट्रल लेवल मिस्टर मोदी इज अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी, सो बीजेपी विल कंटिन्यू टू रूल. सो लोकसभा मे नॉट प्रोवाइड यू दैट डेमोक्रेटिक बैलेंस दैट स्टेट्स विल प्रोवाइड, बट दैट थ्योरी ऑल्सो गेट्स डिमोलिश दिस टाइम. सो तेलंगाना इज ऑफकोर्स गुड न्यूज फॉर कांग्रेस पार्टी, बट इन अ लिमिटेड मैनर. दे कैन फील बिट रिलीव्ड कि आफ्टर कर्नाटका तेलंगाना स्टेट विथ 6% ऑफ GDP इज इन देयर बैग. वॉट इट मीन्स, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज नॉट ATM, KTM. कर्नाटका तेलंगाना मोर्चा यू कैन कॉल इट, दैट यू आर हैविंग टू रिच स्टेट्स विथ यू. यू हैव सम रिसोर्स टू फाइट द नेशनल इलेक्शन, बट आर वोटर्स इंप्रेस्ड? वॉट विल यू डू विद दैट रिसोर्स? आंसर इज क्लियर. एंड विल द KTM बी यूज्ड एज एन ATM? We got that hint over there. So just one word on Telangana. The BJP... I'm just playing with the words. Congress should not mind it. The BJP has increased its share of seats in Telangana. They were at 1. As per the latest numbers, they're showing 8. We'll have to see where that number settles. So they've made a headway there. Chakri, if you can hear me, you know, we spoke after the exit polls. And you said that the exit polls are looking positive with the BJP getting 2 out of 3 of the Hindi heartland states. It's a 3-0 win right now. How do you think markets will react on Monday morning? Savana, thanks for having me. Yes, absolutely. It's a very strong win for BJP and it's very positive for the markets because, you know, now the Rajya Sabha numbers game are in BJP's favor. This makes it... The market would perceive it as it's easier for them to pass the laws that they want to, and so that is a clear positive. And therefore, I think, you know, with the semi-final has shown its verdict that it's very much in favor of the BJP going and winning the final. And so the markets will react positive. I think two themes have emerged. One, infrastructure spending. So that all the mails are happy because it has construction workers and a lot of spend on the women folk in terms of various schemes that have been announced by the BJP in states has again proved to be, I guess, a winning point. So I think we'll be seeing more of that, and I think that's where you will see the action in the markets in those sectors as well. The gap up you're expecting on Monday morning, Chakri? It's not a gap up, but I think it'll be a very strong open up in the positive. I think, you know, clearly infrastructure as well as some of the consumer names will do very well. Yeah. Infrastructure and power would be the main focus. Sanjay, one interesting, you know, from the market perspective run-up that we've been seeing is in FMCG stocks. Ye jo sare scheme hai, Ladli Behna scheme, etc. Aur har rajya mein aise scheme hai, jahan par khas karke mahilaon ke account mein paise ja rahe hain. क्या इसका हम एक डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं FMCG कंजम्पशन से? जब ज़्यादा पैसे घर में जा रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा खर्च हो रहा है? टू सम एक्सटेंट ये सही है, लेकिन टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी का हाल है वो अभी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन GDP के नंबर जो कहानी बताते हैं वो इस थ्योरी को बिल्कुल करेक्ट कहेंगे कि चूंकि लोगों के पास पैसा जा रहा है तो वो स्पेंड कर रहे हैं, तो बॉटम ऑफ पिरामिड एक्टिविटी इन FMCG सेक्टर बिल्कुल रहने वाला है. इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले यहाँ से बहुत बढ़ने वाला है और उससे जो रिलेटेड स्ट्रेटजिक सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग डिफेंस, वहाँ पर बहुत कुछ एक्शन होने वाला है. और जहाँ पर हम थोड़ा पीछे रह गए थे मैन्युफैक्चरिंग के गेम में, क्योंकि हम सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वहाँ पर बदलाव नज़र आएगा. ये सब काम जो पहले से WIP थे, अब वो एक थ्रेशोल्ड पे आ रहे हैं जहाँ से आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा.
इकोनॉमिक चैलेंजेस रहने के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत ही स्टेडी ट्रेजेक्टरी पर है, ये भी साथ में मदद करेगा जब पॉलिटिकल नैरेटिव भी ऐसा हो जाए जहां आपको स्टेबिलिटी का सेंस मिल जाए। तो दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे थे और इंडिया उनको कह रहा था कि आप आइए हमारी तरफ देखिए, जो अभी तक इंटरेस्ट ले रहे हैं वाले मोड में थे, अब उनको ये क्लैरिटी है कि क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि 2024 के इलेक्शन का वो इन्वेस्टर वेट करेगा जो इंडिया को लेकर के सीरियस है। ये काफ़ी ज़रूरी बात है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स वर ऑन द साइड लाइन। जस्ट क्विक वर्ड फ्रॉम यू ऑन दिस चक्री, नाउ यू नो इट्स ऑल द स्टार्स आर अलाइनिंग, योर क्रूड रेट्स आर बिनाइन, योर ट्रेजरी रेट्स आर बिनाइन, एंड नाउ आफ्टर दीज इलेक्शन रिजल्ट्स इट्स फेयरली क्लियर दैट द फियर फैक्टर ऑफ 2024 हैज कम डाउन। आर यू गोइंग टू सी फॉरेन मनी पोरिंग इन? Tamanna, you're absolutely right in the sense that a number of the negatives are out of the way. The only thing remains is U.S. interest rates, with the peak of them, because until that is known, the rupee will not stabilize, and that impacts FII flows. But clearly, you know, given that FII flows have been on the sidelines, this is clearly a catalyst. And India, mind you, still is 75%, 70-80% a services economy, with the latest push on PLI and manufacturing, all the infrastructure and defense names, and railways, all these are manufacturing place. So I think combination of all these, you will see FI interest coming in. And more importantly, I think you will see employment being generated between now and the election in May, and which, again, is a self-fulfilling prophecy, because a voter with income in his or her pocket is likely to vote for BJP. एक आखिरी सवाल संजय जी, हम सेमीफाइनल वाले चुनावों के बारे में बात करते हुए हमेशा कहते हैं कि वोटर ज़रूरी नहीं है कि सीएम और पीएम के लिए एक तरह वोट करें, और ख़ास करके जब 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस आई थी, ये बात हुई थी कि नॉट नेसेसरी यू विल सी द सेम थिंग इन 2019। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी इज़ कम इन ऑल थ्री हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स। How are we today saying this is an indication for 2024? तमन्ना, में चुनाव के पहले ये बात जब होती थी, इन्वेस्टर लोग पूछ रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए इस चुनाव का नतीजा बीजेपी के लिए नेगेटिव है, तो भी 2024 को लेकर के कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि इन्हीं ओपिनियन पोल्स में ये बात सामने आई कि असेंबली में जो कह रहा था वोटर कि मैं कांग्रेस को वोट करूंगा, वो कह रहा था कि असेंबली के बाद लोकसभा के वोट में मैं मोदी के लिए वोट करूंगा। मोदी फैक्टर डिस्पाइट स्टेट लेवल एंटी इनकम्बेंसी डोमिनेंट था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां की ओपिनियन पोल को हमने बहुत करीब से देखा था, चुनाव के पहले की बात कर रहा हूं। तो आगे चलते हुए इसमें बहुत ज़्यादा अब क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं बची है किसी को कि बीजेपी बहुत ही डोमिनेंट पोजिशन में है, नंबर एक। नंबर दो ये जानना ज़रूरी है जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए कि ऐसा क्यों है, उन्होंने क्या किया है कि ये जात और धर्म की पॉलिटिक्स में धर्म का उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। आप इस चुनाव में देखिए पोलराइजेशन ज़्यादा नहीं हुआ, जो हम बात करते थे हारमोनी का बड़ा संबंध है इन्वेस्टमेंट का माहौल देखने के लिए, उनको भी ये तसल्ली रहेगी इस बात की कि उतना ख़राब माहौल तो है नहीं पोलराइजेशन को लेकर के जो रिलीजन के आधार पर होता है, नंबर एक। नंबर दो, बेनिफिशियरी स्कीम को कांग्रेस ने और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन ओरिजिनल वाला ज़्यादा चल रहा है। तो सारे जो OBC, SC, ST एक जो लेयर है उसकी पैकेजिंग बीजेपी ने यूं कर ली है कि वो लाभार्थी में आ जाएं। तो सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट हो गया वाया लाभार्थी, महिलाओं पर स्पेशल फोकस है। इस वजह से आपको जो आने वाले चुनाव लोकसभा के हैं उसमें देखना है कि क्या नया फिल्टर बना है चुनाव को देखने का और नैरेटिव बनाने का और वोटर से वोट लेने का। उसके सामने कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस क्या नैरेटिव लेकर के आ रही है, उनके पास कोई रेसिपी है या मोदी की निंदा है? मोदी की निंदा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, नई स्टोरी लेकर के आइएगा तो हम सुन लेंगे, क्योंकि नई स्टोरी में मोदी अभी भी हर महीने आपके सामने सरप्राइज लेकर के आते हैं, नई कहानी लेकर के आते हैं वो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच संजय एंड चक्री फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस क्विक wrap up of what the elections mean for markets tomorrow, and we'll be back at 8 o'clock tomorrow in the morning as well to see what overnight queues have shown us and what kind of an opening we can expect for the Indian markets. But till then, thank you for joining us.